पे जो भी मजदूर घायल हुए हैं और जिनकी जाने गई हैं उनका कोई रिकॉर्ड है यहाँ कंपनी के पास या नहीं? और थोड़ा सा भाई लोग का भी कहना है कि ये कंपनी कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखी। देखिए, ये प्लांट वाले जो मालिक होते हैं, जो भी ये पूंजीपति लोग हैं, ये तो अपनी पूंजी निवेश कर देते हैं और प्लांट को चलाने का जिम्मेवारी अपने ऊपर नहीं रखते, कॉन्ट्रैक्ट को दे देते हैं ठेकेदार को। ठेकेदार अपना आदमी लाते हैं और सारे लोग ठेकेदार के ही आदमी थे। तो ये थे, कितने थे, क्या नाम था पिताजी का, क्या नाम था, कहाँ के रहने वाले थे, आज ड्यूटी पे कितने लोग चढ़े, कब चढ़े, का कोई डाटा अभी तक हम लोग देखे नहीं है। कोई भी रिटर्न डाटा नहीं, कोई डाटा नहीं है इनका। क्या पीएफ कटता है, क्या इसका स्टेट गवर्नमेंट का इंश्योरेंस है, क्या है, कुछ भी ऐसा नहीं है। और सरकार भी लापरवाह है, ध्यान देती नहीं है। अब घटना घट गई तो सबका अभी सरकार अभी पूरा खड़ी है एक पैर पर। बस जब तक है पब्लिक का फोर्स तब तक लगेगी, जब पब्लिक ढीला पड़ जाएगी तो प्रशासन अपना काम कर दे, सो जाएगी। थोड़ा सा भाई साहब से जानते हैं कि सरकार जो है विक्टिम के बारे में कैसे उतना ज़्यादा पता कर पाएगी या नहीं, क्योंकि निजी कंपनियां जो होती है अपना मनमानी बहुत ज़्यादा करती हैं। देखिए, यहाँ जो बरही इंडस्ट्रियल एरिया है, जो यहाँ जितने भी प्लांट हैं, सारे प्लांट में हमने कंप्लेन किया, फैक्ट्री इंस्पेक्टर को भी किया और लेबर इंस्पेक्टर को भी कंप्लेन किया कि लोग को यहाँ जल्द से जल्द जाँच किया जाए। EPFO, ESI और ऐसे सेफ्टी उफ्टी जो भी है इन लोग को दी जाए। तो इन लोग को दिए, ऑफिसर भी आए और ऑफिसर आने के बावजूद भी इन लोग आए और क्या हुआ पता नहीं, लेकिन कोई सेफ्टी उफ्टी का बात ही नहीं किया और मुझे रिपोर्ट भी नहीं दिए। इन लोग रिपोर्ट दिए तो बस थोड़ा भी दिया कि हो गया, ये चीज़ है। तो इस आज घटना घटी है तो हम देख रहे हैं कि इसमें पहले ही अलार्मिंग के लिए बताया गया है कि हम लोग रिपोर्ट दिए थे कि ये घटना घटेगी और घटना घट चुकी है। तो अब यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो पदाधिकारी अभी आ रहे हैं और अपने दिखा रहे हैं कि हम इतना एक्टिव है लेबर के प्रति, जो सिटीजन ऑफ इंडिया ही मानिए, बिहार के ही लोग हैं तो इंडियन है, और जो दिखा रहे हैं इन लोग प्रति, आज तक यही लोग SDO को ही कंप्लेन दिए थे हम, और इंस्पेक्टर जो अंदर है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर है, लेबर इंस्पेक्टर है, इन लोग के ही कंप्लेन दिए थे, यही लोग जाँच किया और लापरवाही किए आप लोग। और आज ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, मतलब घटना होने के बाद सब अभी ढूंढ रहे हैं। हाँ, अब इन लोग कैसे, एक किसका घटना हुआ, क्या रिकॉर्ड है, ये लोग कैसे पता करेंगे? लापरवाही तो यही लोग का है, जो ऑफिसर है यहाँ का, जो पदाधिकारी, इन्हीं का है। तो इन लोग तो आज तक रिकॉर्ड तक ही नहीं कराया गया। EPFO कराते तो रिकॉर्ड हो जाता है लेबर का, ESI कराते हैं तो उसका रिकॉर्ड हो जाता है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ है कि प्रशासन का लापरवाही, तो जिससे हम लोग रिकॉर्ड भी नहीं जान सकते और कौन एक्सीडेंट किया, कौन उसका साथ क्या हुआ घटना, कोई रिकॉर्ड ही नहीं। और सारा जो पेमेंट हो रही है इन लोग का, तो पेमेंट इन लोग का भी कैश मिलता, हम बहुत लोगों से पता किए, बहुत लोग कंप्लेन भी करने के लिए लेबर को भी खड़ा करते थे क्योंकि हम कंप्लेन नहीं कर पाएंगे उतना और टिकाऊ भी नहीं रहेगा। तो उन लोग को रोज़गार से भी हटा दिए जाते हैं जो कंप्लेन करते थे उन्हें। हाँ, तो उसे रोज़गार से भी हटा दिए जाते हैं और देखा जाए तो उन लोग अपना रोज़गार बचाए कि कंप्लेन करें। तो उन लोग पास दो ऑप्शन होते हैं, तो उन लोग तो रोज़गार ही चाहेंगे कि हम लोग रोज़गार चाहे। तो सबसे तो हम तो आज भी क्रिटिसाइज करें कि प्रशासन पर ही कार्रवाई के लिए, और कार्रवाई के लिए हमने CBI को भी दिया कि होम मिनिस्ट्री से थ्रू CBI से जांच किया जाए, CMO और CMO बिहार और CMO झारखंड को वो मेल पर भेज दिया जाएगा। और ऐसे फिर और जो थाना प्रभारी है उनको भी, जो बरही थाना प्रभारी, उनको भी शिकायत दिए थे 2-3 दिन पहले ही कि आप यहाँ पर जांच कीजिए लोगों के साथ, वो भी मेरे पास बना के दिए कि मेरा अंदर नहीं है, हम जांच नहीं है। आज वही खुद खड़ा है वहाँ पर और बोलते हैं कि इसमें कहाँ कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस चीज़ को हम दिए थे उसको कि बताए थे एक सप्ताह पहले ही, मेरे पास रिपोर्ट भी बनाए। और फिर इसका शिकायत तो हम SP को भी दिए और SP से फिर इन लोग जब लापरवाही केयरलेस किए तो अब DGP को भी दिए हम। तो मेरा कार्रवाई पूरी तरह से जारी है और मैं इस पर कार्रवाई करूँगा और हमेशा ही तैयार रहता हूँ। लेकिन सबसे क्वेश्चन बड़ी बात है कि इन लोग जो आज खड़े हैं यहाँ पर, तो वो कैसे, एक जो एक्सीडेंट किया, फर्स्ट क्वेश्चन कि वो लोग कैसे जानेंगे कि किसका एक्सीडेंट हुआ, कौन डेथ किए इसमें, कैसे, इसका पास कोई रिकॉर्ड नहीं। और रिकॉर्ड कराने का यही लोग पास जिम्मेदारी था, जो कंपनी है पवन पुत्रा स्टील एंड अलॉय कंपनी, तो इन लोग तो प्रॉफिट कमाने के लिए आए हैं, चाहे लेबर का पेट का, लेबर को किसी भी उसको पेमेंट दे या ना दे, तो उन लोग को एक्सप्लोटेशन करे लेबर के साथ, तो इन लोग तो प्रॉफिट कमा रहे हैं, चाहे पॉल्यूशन निकाले, धुआं स्मोक करे लोगों का आसपास एरिया को भी करते हैं, तो दिन में भी करते हैं, तो हम लोग कार्रवाई के दिन के हुआ, रात को भी पॉल्यूशन करते हैं।
तो आज तक तो हम लोग है और खड़े हैं, और हमें तो शर्म आ रही है कि प्रशासन से, जो प्रशासन हमारे पर यहाँ खड़ा है उससे शर्म आ रही है। थोड़ा सा दिखाएंगे, ये सब भाई लोग सब मजदूर के रूप में आप लोग काम करते हैं यहाँ पे। भाई साहब का कहना है कि कंपनियों के पास प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होने के कारण लोगों का पता नहीं चल पाता कि कितने कोई घायल और कितने कोई का मृत्यु हो गई है। आई ना भैया, आप कहाँ से आए भैया? बरी से। यहीं पे काम करते क्या? हाँ, उधर काम करते हैं। हाँ, आप कहाँ से आए? हम भी साथ में काम करते हैं हम लोग। तो आप लोकल हैं या फिर दूसरे स्टेट से? लोकल। कहाँ से? यहीं है, धनबाद रोड से। नाम क्या हुआ? मोहम्मद अरमान। मोहम्मद अरमान जी, चलिए ठीक है। आप भैया कहाँ से? आप यूपी से। यूपी से। हाँ, कब से काम कर रहे हैं आप? कम से कम 6-7 महीने हो गए। और क्या सेफ्टी के रूप में क्या मिला आप लोगों को? हेलमेट वगैरह दिया गया कि नहीं? हेलमेट वगैरह सब मिला, जूता वूता सब मिला। और कितना देर तक काम लिया जाता है? 12 घंटा। 12 घंटा। मैं 12 घंटे का क्या आपका जो सैलरी है क्या दिया जाता है? 22,000। ऐसा नहीं ना कि जैसे कि आप 8 घंटा ड्यूटी किए तो सैलरी कटता होगा? नहीं नहीं कटता। नहीं तो ये आपका एक हाजिरी होता है 12 घंटा, या फिर ओटी उसमें मिलाया जाता है? एक हाजिरी के साथ में ओटी होता है? नहीं, एक ही हाजिरी मिलता है। जैसे कि भारत के कानून में एक प्रावधान है कि जो एक हाजिरी होता है 8 घंटा का होता है, और 12 घंटा जो है आपका ओटी मिलाकर होता है। मैंने यहाँ पे श्रमिक लोग से बात किया तो उन्होंने कहा कि हम लोग जब 8 घंटा काम करते हैं और 4 घंटा और काम करते हैं तो उसका पगार मिलाकर दिया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। आप बताएंगे भैया? नहीं तो यहाँ पे 4 घंटा और 8 घंटा नहीं है, 12 घंटे का एक ही ड्यूटी है उसका। एक ही ड्यूटी है, लेकिन यहाँ पे मैंने पूछा तो झूठ है सब। लेबर है ना जी, खुद बोल रहा ना, सब गलत बात है। तो यहाँ पे भैया हैं, इनसे पहले जानते हैं नाम क्या है भैया आपका? नसीम एडवोकेट नाम है मेरा। नसीम एडवोकेट। एडवोकेट कहाँ से आप? यहीं बरी से ही हैं, लोकल है, प्लांट के पीछे घर है मेरा, थाना। क्या कहना चाहेंगे श्रमिक लोग का? श्रमिक लोग के बारे में यही बोलना चाहेंगे हम कि यहाँ पर जो है सो शोषण किया जा रहा है बंधुआ मजदूर के तौर पर। प्लांट वाले के दिमाग में है कि अगर दुनिया में सबसे कोई सस्ता चीज़ है तो इंसान है, इंसान बस उसको खरीदिए और यहाँ पर झुलसाइए, जलाइए, मारिए, उसका कोई अता पता है, कुछ पता नहीं चलने वाला है। हम लोग पूंजीपति लोग, सेठ लोग बैठे रहिए मजे में एसी में चालू करके और इन लोगों को झुलसते रहने दीजिए। यहाँ पर 12 घंटा ड्यूटी लिया जाता है लेबर लोग से, और हम लोग कई बार इस पर सवाल किए हैं, कई बार उठाए, स्थानीय प्रशासन को भी जानकारी मिला है, स्थानीय लोगों को भी जानकारी मिला, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होता। सरकार को सारी चीज़ की जानकारी है, लेकिन सरकार भी जो है प्लांट वाला लोग के साथ में मतलब हमको ऐसा लगता है कि उन लोग भी मिला हुआ है। मिला हुआ? बिल्कुल बिल्कुल मिला हुआ है। 12 घंटा ड्यूटी लेता है, हार्ड वर्क है, और पेमेंट उसका एक ही मतलब हाजिरी का मिलता है, ओडी कुछ नहीं। 8 घंटा का ड्यूटी होना चाहिए, वो 12 घंटा का ड्यूटी इन लोग करता है। अब मात्र पेमेंट भी किसी का पूछेगा 10,000-12,000 का ही पेमेंट है मंथली का, और इसके पास कोई डेटा नहीं है। और जो ना सेफ्टी के लिए जूता दिया जाता है, ना हेलमेट दिया जाता है, ना ही चश्मा वगैरह का इस्तेमाल जो है, मान लीजिए आग जल रहा है तो उससे जो पॉल्यूशन निकल रहा है, ना ही मास्क पहनता है, और उससे छोटा छोटा कण जो आँख में भी पड़ सकता है, तो कोई चश्मा नहीं, कोई सेफ्टी ग्लास नहीं दिया जाता है यहाँ पर। जो मजदूर का अगर जीवन 60 साल होना चाहिए, अगर इस प्लांट में काम करेगा वही मजदूर का जिंदगी 30 साल हो जाएगा। ये सच्चाई है। अगर आप चाहें तो बगल का प्लांट आप लाइव उसका जा करके न्यूज देख सकते हैं। तो प्लांट में बंद हो चुका है अभी घटना होने की वजह से, और यहाँ पर जो है सो 4 से 5 लोग जो फर्निश पर काम कर रहे थे, जो मेंटेनेंस में थे, उनका कुछ अता पता नहीं है, वहीं के वहीं रह गए, कहाँ गए कुछ पता नहीं है। उस पर जांच होना चाहिए गंभीरता से। हम सरकार से मांग करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि इस पर CBI की द्वारा जांच किया जाए, क्योंकि जितना भी स्थानीय प्रशासन है, झारखंड सरकार की पदाधिकारी है, सारा लोग जो है सो सिर्फ निपापोती का काम कर रही है। और ये जो घटना हुई भैया, किस टाइम में हुआ घटना, और क्या गलती हुई होगी जो इस तरह का घटना हो गया? ये घटना तो आज सुबह करीब 10:30-11 बजे के लगभग में हुआ है। हम लोग भी आवाज़ सुने थे तो हम लोगों को लगा शायद कोबरा जो बगल में है स्थापित, वहाँ से फायरिंग वगैरह हुआ है, पर बाद में पता चला जानकारी कि यहाँ फर्निश जो है फट चुका था। हमको ऐसा लगता है कि ये जो है सो प्लांट का लापरवाही है, बहुत तरीके से लापरवाही हो सकता है। पहला तो लापरवाही ये हो सकता है कि फर्निस को किस हिसाब से कितने टेम्परेचर में चलाना है, कब ठंडा करना है, कैसे करना है, ये जो है सो उसका ध्यान नहीं दिया गया, पहला बात। दूसरा बात ये कि फर्निस के अंदर जो भी मटेरियल डाला गया उसका क्वालिटी जांच करके ही डाला जाता है,
कि उसको कैसे पिघलाना है। अब उस क्वालिटी में जो है हमको ऐसा लगता है कि जांच सही से नहीं हुआ है, यहाँ जांच की भी जो कमी है, इन लोग जो है सो कुछ भी उसमें उठा के डाल दे रहा है, ये चीज़ मतलब ऐसा लगता है हमको। और कुछ ना कुछ और भी जाँच के बाद ही क्लियर हो पाएगा, कुछ ऐसा रहा होगा बेसिक कुछ समस्या जिसके वजह से इतना बड़ा दुर्घटना घटा है जिसमें कई लोगों की जान गई और कई लोग भी जो है सो जल गए हैं और कई लोग अभी भी जो है गंभीर स्थिति में बना हुआ, उनकी जीवन बचना मतलब असंभव है, ऐसा स्थिति बन गया। मजदूर लोग से जब मैंने पूछा तो मजदूर लोग बहुत सारे चीज़ें ऐसे बता रहे जिससे लगता कि डर गए हैं, इसके पीछे क्या राज हो सकती है? सबसे पहला इसका जो है सो रीज़न पेट हो सकता है। जी बिल्कुल, अब प्लांट पर डिपेंड है, प्लांट से महीना पैसा ले रहे हैं, काम कर रहे हैं और उनको ये डर है। अब जो मैक्सिमम जो लोग यहाँ काम करते हैं वो गरीब परिवार के लोग हैं, आज काम करते हैं तो कल उनको भोजन मिलता है, अगर नहीं काम करेंगे तो कल उनको भोजन नहीं मिलेगा। कोई भी शौक से यहाँ पे प्लांट में काम नहीं कर रहा है और अपने जान को जोखिम में डाल के खतरे में डाल करके कोई काम नहीं कर रहा, तो इन लोग मुसीबत में जो है सो कुछ ना कुछ परेशानी होगा, तो इसलिए डरा हुआ प्लांट वाला का कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मुझे लगता है कि पूरा दबाव होगा उनके ऊपर, ताकि जो सच्चाई है वो बाहर नहीं आए और जो प्लांट की जो कमियाँ हैं वो लोगों के सामने नहीं आए, इसीलिए जो है उन लोग इस तरीके से मतलब कि खुल करके नहीं बोल पा रहे हैं। और दूसरा चीज़ ये भी हो सकता है, घटना को जब आपने आंखों के सामने देखे होंगे तो उन लोग सदमे में हो सकते हैं। और बात ये तीसरा बात हम ये बोलना चाहेंगे कि आप भी अंदर गए, जांच किए, उसका सारा चीज़ घटनास्थल का निरीक्षण किए, उसमें आप कहीं भी प्लांट में देख लीजिए घूम करके, आग लगा तत्काल आग से निपटने के लिए कोई भी इसके पास सुविधा नहीं है, कहीं भी फायर ब्रिगेड वगैरह या कोई भी वैसा गैस जो तुरंत अपने और आग को खींचे बुझाए, पानी का सुविधा, बालू का सुविधा, ऐसा कोई भी सुविधा साधन अंदर, हम लोग भी विजिट करके आए, कई लोग आए, इन लोग से भी पूछ सकते हैं, कहीं भी कुछ वैसा साधन कोई भी ऐसा सुविधा नहीं नज़र आया जिससे अचानक जो है कंट्रोल किया जा सके। घटना कभी भी कहीं भी घट सकता है लेकिन उसको कम किया जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ भी चीज़ नहीं पाया गया है। अब बगल में प्लांट चल रहा है और भी यहाँ 9-10 आयरन प्लांट है बरही में, आप कहीं भी जा करके लाइव देख सकते हैं, बना सकते हैं कि किस तरीके से काम किया जा रहा है, किस तरीके से काम हो रहा था, आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगा, ज़्यादा समझ में आएगा। वहाँ पर कहीं भी कोई किसी भी प्लांट में कोई भी सुविधा है ही नहीं, ना ही लेबर का सुविधा है, ना ही इमरजेंसी कुछ निपटने का सुविधा है, तो ये प्लांट की कमियां हैं। हम लोग लगातार बहुत बार आवाज़ उठाए हैं, बोलते रहे हैं, लेकिन प्लांट जो है कुछ स्थानीय लोगों के साठ गांठ से, कुछ प्रशासनिक पदाधिकारियों और कुछ नेताओं के साठ गांठ से अपना काम जो है सब निपापोती करके चला रही है, इसमें कभी भी कोई भी एक्शन लेने का काम नहीं किया है। अब एक बहुत बड़ी घटना हुई है, जान चाहे एक पूंजीपति का हो, प्लांट के मालिक का हो, चाहे एक लेबर का हो, हर एक एक जान का कीमत है। अब उसका बीवी बच्चा परिवार उसका कीमत को कौन चुकाएगा, कौन जिम्मेदार है, इस पर सवाल होना चाहिए, प्लांट वाले से सवाल होना चाहिए, प्लांट इसका जवाब दे, और सरकार को एक्टिव होना चाहिए, सरकार के जो पदाधिकारी हैं उनको भी एक्टिव होना चाहिए कि हमेशा से इन लोग लापरवाही किया है जिसका नतीजा आज ऐसा हुआ है, अगर इन लोग शुरू से एक्टिव रहते तो इतना बड़ा घटना दुर्घटना नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया लाइंस, दिलीप कुमार के साथ। आज का बहुत ही दुखद खबर, बरही में पवन पुत्र प्लांट में अचानक चिमनी के ब्लास्ट होने से 7 लोगों की घायल की खबर बताई जा रही है, जिसमें कि एक की मृत्यु हो गई है। लोगों के डिटेल्स के बारे में अतः पता नहीं है, यहाँ के स्थानीय लोगों से मैंने जानने का कोशिश किया, लोग बताए कि कंपनी के पास कोई वैसा डाटा नहीं है जिससे वो पता लगा पाए कि कौन किसकी जान गई है, कौन घायल है। बाकी मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि मैं अंदर गया, निरीक्षण किया, हर चीज़ों के बारे में बात किया, वहाँ के लेबर लोगों से बात किया, मैंने पूरा प्लांट को भ्रमण किया और बहुत सारे पुलिस प्रशासन लोग थे उन लोगों से भी बात किया, लेकिन मेरा मोबाइल के टेक्निकल इश्यूज़ के कारण वो सारा वीडियो अचानक से डिलीट हो गई, जिसकी वजह से मैं दिखा नहीं पाऊँगा। लेकिन हाँ, बाद में मैंने वहाँ के स्थानीय लोगों से बात किया, जो कि बहुत सारे एक से एक बात बताए जो शायद किसी को पता भी नहीं होगा। वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि 3 दिन पहले ही उन लोग पेटिशन डाल चुके थे और बताए थे कि यहाँ पे प्रॉपर जांच होनी चाहिए, लेकिन किसी ने इनके बात को संज्ञान में नहीं लिया। पुलिस प्रशासन के पास गए और तमाम लोगों के पास गए, लेकिन किसी ने इनके बात को संज्ञान में नहीं लिया। जो भी पार्टीशन इन लोगों ने फाइल किए हैं, मैं पार्टीशन को मैं दिखा दे रहा हूँ, पेटिशन को मैं दिखा दे रहा हूं।